सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने ये बनाई है चिकन कोरमा की रेसिपी, तो आज हम इसको बनाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो आइए इसको बनाना हम शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी टेस्टी बनता है और इजी तरीके से बन जाता है, तो आइए इसको बनाना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये गैस पर एक बर्तन लिया है बड़े साइज़ का, इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो 4 से 5 बड़े चम्मच ये ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे काली मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा है और खड़ी इलायची है बड़ी वाली, और थोड़ा सा मैंने दालचीनी लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब ये सारे मसाले को हमें बहुत अच्छे से इसमें भून लेना है, जिससे इसके सारे फ्लेवर बाहर आ जाएंगे और स्मेल बहुत अच्छी आती है इन मसालों की, अगर इनको अच्छे से आप भून लें। तो ये मसाले देखिए रोस्ट हो रहे हैं। अब इसमें हम एक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बड़े साइज का प्याज लिया है, और इस प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है। देखिए ऑयल काफी अच्छे से गर्म है, तो गैस की फ्लेम जो है वो हाई है और ऐसे ही हमको हाई रख के ही प्याज को अच्छे से भून लेना है। ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला 3-4 प्याज का, मैंने ये पेस्ट बना लिया था, प्यूरे प्याज की बनाई थी, वो डाल देंगे। और इसको हमें प्याज को इतनी अच्छे से भूनना है जिससे बिल्कुल ये डार्क ब्राउन कलर का दिखने लगे, तब तक हमको ये भूनना है। इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा, प्याज का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा सूख जाए, उसके बाद ही हम आगे इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो रहा है। अभी ये ब्राउन आपको लग रहा होगा कि ब्राउन हो गया है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा ब्राउन करना है। एक मसाले का कलर बहुत अच्छा सा आने लगेगा, ऑयल देखिए रिलीज होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे ये अदरक लहसुन हरी मिर्च और एक टमाटर लिया था मैंने, इसका पेस्ट बना लिया था, इसको भी हम डाल देंगे। और इन दोनों चीज़ों को हमको मिला के मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम डार्क ब्राउन कर लेंगे। तो अच्छे से मसालों को देखिए हम मिक्स कर लेंगे और इनको हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। जिसको मैं बराबर ऐसे चला ले रही हूँ देखिए, तो ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है, ये मसाला बिल्कुल भुन गया अच्छे से। इसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा है, सिर्फ प्याज और अदरक लहसुन हरी मिर्च और एक टमाटर लिया था मैंने। अब इसके बाद इसमें ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसको हम मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे, जो ये प्याज का मसाला है। अभी इसमें बाकी और पाउडर स्पाइसेस कुछ भी नहीं पड़े हैं और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसको चिकन को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आपको अगर ग्रेवी वाला बनाना है या सूखा बनाना है तो उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जितना आपको पर्याप्त लगे। तो ये नमक मैंने डाल दिया। इसमें अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, बहुत ही कम मसालों में बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये मैंने मिर्च डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे, मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन अभी पानी अपना रिलीज़ करेगा और जितना भी पानी रिलीज़ होगा उसी में ये सारे मसाले कुक हो जाएंगे। देखो इसके देखिए अच्छे से इसको हम मिला ले रहे हैं, मिक्स कर देंगे, सारे मसाले अच्छे से इसमें मिल जाएं। अब हाई फ्लेम में इसको हम कुक होने देंगे।
तो ये देखिए इसको हो गया है 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने पानी अपना रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। इसको अब थोड़ी देर हम ऐसे ढक के, ये 5 मिनट मैंने ढक दिया था, ढकने के बाद मैंने लिड ओपन की है और इसको एक बार चला लेंगे जिससे ये नीचे लगे नहीं। तो कलर देखिए इसमें बहुत अच्छा आने लगा है। तो 15 से 20 मिनट इसको हो चुके हैं कुक होते हुए और थोड़ी देर इसे हम ऐसे ही पकने देंगे और जितना इसका पानी रिलीज हुआ है वो सारा पानी हमको सुखा लेना है। तो देखिए हाई फ्लेम पर है, जितना भी इसका मॉइस्चर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इस जगह हम इसमें डालेंगे, तो मैंने ये आधा कटोरी मलाई ली है, आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। तो ये चिकन हाफ कुक हो चुका है उसके बाद मैं ये डाल रही हूँ, अगर आपको दही डालना हो आप दही डाल सकते हैं, दही अगर ना पसंद हो तो आप फ्रेश मलाई ले सकते हैं। तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इसमें आधा कटोरी ये फ्रेश मलाई डाली है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और क्रीम डालना चाहे तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो बनाना, दोनों चीज़ ही आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब ये मलाई को मैंने अच्छे से इसमें मिला दिया है, ये भी कुक हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला, तो कोई भी गरम मसाला आप ले सकते हैं, बस इसमें और हमें कोई भी मसाले नहीं डालने हैं, इतने ही मसाले इसमें जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमने इसको अच्छे से मिला दिया है, मिक्स कर लिया है, तो इसको कुक होने देंगे। आप चाहें तो आप इसको ढककर कुक करें या फिर आप चाहें तो लिड ऐसे ओपन करके ही इसको कुक कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 से 3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा और इसमें आप चाहें तो खसखस भी डाल सकते हैं और जो मगज होता है खरबूजे के बीज आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप कुछ ज़रूरी नहीं, आपके पास जो भी हो आप वो डालें, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ती हैं कोरमे में और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आएगा जैसा आप बाहर मार्केट में खाते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये कैसी लगी है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। अब जितना भी आपको इसमें पसंद हो, अब थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालेंगे जिससे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और हल्दी डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको हम चला दे रहे हैं, कलर इसका देखिए बहुत अच्छा आ गया है और मैं इसको भूनती जा रही हूँ और एक एक चीज इसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो काफ़ी टेस्टी बनता है, आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए ये चिकन कोरमे की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसमें ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल सकते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं। वैसे ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए चिकन कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने थोड़ा सा ग्रेवी कर दिया था इसमें बाद में, क्योंकि सबको ग्रेवी पसंद है इसकी। अब इस ग्रेवी को हम कुक कर लेंगे, पका लेंगे अच्छे से। तो ग्रेवी भी मैंने कुक कर ली है देखिए, और ये इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो ये तैयार है हमारा चिकन कोरमा। और आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताइएगा और इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए
मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।